और जब भी कोई नई चीज़ होती है, अच्छी चीज़ होती है तो लोग देखने जाते हैं, पर ये तो हमारे लिए भी रियलाइजेशन की बात है कि इतना पोटेंशियल किसी फिल्म में, मार्केट में है इतना पोटेंशियल। दोस्तों, सालार मूवी को देखकर राजकुमार हिरानी के होश उड़ गए। राजकुमार हिरानी कहते हैं, प्रभास ने अच्छा कमबैक किया है और आज से पहले इतना शानदार एक्शन प्रभास की किसी भी मूवी में देखने को नहीं मिला था। और इस बार प्रशांत नील केजीएफ यूनिवर्स से भी अच्छी मूवी बना रहे हैं और इसका पहला पार्ट बहुत शानदार है और जब दूसरा पार्ट आएगा तो उसको भी ऑडियंस काफी ज्यादा पसंद करेगी, क्योंकि सलार का पहला पार्ट काफी अच्छा बनाया गया है और इसकी स्टोरी भी काफी शानदार है। दोस्तों, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेत्री और अभिनेत्रियां सलार को देखने के बाद कहती है, बाहुबली लौट कर आ गए हैं। और जो कहानी प्रशांत नील ने दिखाई है वो काफी ज्यादा इमोशनल कहानी है। दोस्तों, इंडिया हो या फिर ओवरसीज, सलार ने हर कहीं अपना जादू दिखा दिया है और लोग इंडिया की सबसे बैलेंस वाली मूवी सलार को बोल रहे हैं। जो लोग एनिमल मूवी को देखकर बोलते थे ये इतनी ज्यादा खतरनाक है, जो कि आज से पहले बॉलीवुड मूवी में इतनी डेंजरस मूवी नहीं बनाई गई थी, लेकिन अब सलार को देखकर उन लोगों की स्टेटमेंट चेंज हो गई है। अब इंडिया की सबसे खतरनाक मूवी सलार बन गई है और इंडिया में इस मूवी ने अपनी बजट भी नेट कलेक्शन करके निकाल दी है, यानी कि अब जो भी कमाई आ रही है वो सलार का प्रॉफिट है। और वहीं वो लोग कहीं भी नजर नहीं आ रहे जो कि बोल रहे थे कि आदि पुरुष के बाद प्रभास फ्लॉप हो गया है और अब इसको कोई भी हीरो नहीं लेगा, लेकिन वो स्टेटमेंट भी चेंज हो गई है और सलार ने जो धमाका किया है उसके बाद वो लोग कहीं भी नजर नहीं आ रहे। और एक दूसरी कहानी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर बनाई जा रही है, लेकिन प्रभास को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सलार डायनासोर है और वो अपने रास्ते में आने वाले हर एक रिकॉर्ड को चबाकर निकल रहा है। और वहीं अब तो संडे की कलेक्शन और ज्यादा आने वाली है, ऊपर से विंटर वेकेशंस भी स्टार्ट होंगे। इसका मतलब सलार 1000 करोड़ कमाने के लिए तैयार है और इस बार जवान और पठान के बाद साउथ की सलार 1000 करोड़ कमाकर इंडिया की पहली एक्शन मूवी बन जाएगी जिसके आसपास कोई रिकॉर्ड नहीं आ सकता। इस बार इतना बड़ा रिकॉर्ड बना है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा तक नहीं होगा और यह रिकॉर्ड कोई भी तोड़ नहीं सकता। प्रभास अन्ना ने एक्शन के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया है और इस बार जो रिकॉर्ड बनाएंगे उसको कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। इस बार पूरी दुनिया में सलार नंबर 1 बन गई है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता और बाहुबली के बाद प्रभास अन्ना सलार से एक नया इतिहास लिखेंगे जिसको तोड़ पाना अब काफी मुश्किल लग रहा है। दोस्तों, सच बताना, आपने सलार को कितनी बार देखा है और सलार मूवी का कौन सा एक्शन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है कमेंट में लाजमी बताना। अगर आप प्रभास भाई के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं।